यूपीपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें करीब 20 दिन बचे हैं, और पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था यूपीपीएससी सीसेट 2023 का पेपर पार्ट वन था वो। आज हम बाकी के जो क्वेश्चन है मैथ्स के और रीजनिंग के उनको कवर अप करेंगे, सो दैट ये जो 2023 का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं यूपीपीएससी 2022 का पेपर सॉल्व करूंगा और उसके बाद 2021 का करूंगा। कम से कम 3 साल के पेपर आपको सॉल्व करके जाने चाहिए यदि आप मैथ्स में या रीजनिंग में देखना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। 59 क्वेश्चन, मतलब 58 तक हमने कर लिए थे, 59 पे आज हम बात करते हैं। तो सवाल बोलता है सेमी डायमीटर, दो सिलेंडर है हमारे पास, एक ये सिलेंडर है और ये दूसरा सिलेंडर है। सेमी डायमीटर का मतलब होता है रेडियस। तो मान लेते हैं इसका रेडियस आर ए है, इसका रेडियस आर बी है। तो इनके रेडियस का जो रेशियो दे रखा अनुपात आर ए और आर बी का, वो आपको दे रखा है 3:2। इनकी जो हाइट है, इसकी हाइट यदि एच ए है तो इसकी हाइट कितनी है एच बी। इनकी जो हाइट का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको n:1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वॉल्यूम ए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ए, 3 गुना है किससे, जो हमारे पास बी का जो बी सिलेंडर है उसका 3 गुना है। इसका मतलब यदि हम इनके वॉल्यूम का रेशियो देखते हैं वी ए अपॉन वी बी, तो ए का वॉल्यूम 3 गुना है बी से। ये आपको कंडीशन दे रखी है और आपसे बोलता है एन की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है यदि आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे। यदि हम एन की बात करते हैं तो एन का वैल्यू कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर मैं इस रेशियो को देखता हूँ, जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू हाइट एच। आर क्या है, बेस रेडियस, और हाइट है उसकी एच, राइट। तो यहाँ पे अगर हम पहले सिलेंडर के लिए लगाएंगे तो पाई आर ए का स्क्वायर इंटू एच ए। सिमिलरली बी के लिए लगाएंगे पाई आर बी का स्क्वायर इंटू एच बी। ये रेशियो आपको 3:1 दे रखा है, तो पाई ने पाई को मार दिया। तो यहाँ से आर ए और आर बी का अनुपात दे रखा है 3:2, और इनका स्क्वायर करना है क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, इंटू एच ए और एच बी का जो हाइट है एन और एक का अनुपात है, और ये 3:1 के बराबर है। तो 9/4 इंटू n/1 बराबर 3:1। तो यहाँ से जो n की वैल्यू सॉल्व करके आएगी, भाई 3 या 9, 4/3, तो जो कि ऑप्शन नंबर आई थिंक फर्स्ट में दे रखा है। तो उम्मीद करो ये सवाल आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इसमें n की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिक फॉर्मूले में इस क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 60 पे चलते हैं। तो रैंकिंग का सवाल है, बेसिकली रीजनिंग का एक क्वेश्चन है कि हमारे पास रैंकिंग दे रखी है और अनुप की जो रैंक है, एक व्यक्ति है अनुप और एक व्यक्ति है सुनील, ठीक है। अनुप की रैंक ऊपर से 7th है, मतलब अनुप यदि 7th नंबर पे है तो इसका मतलब 6 लोग इसके ऊपर है। भाई यदि हम आपसे बोलते हैं कि आपकी रैंक 2nd आई है, इसका मतलब एक बच्चा आपसे आगे, राइट। और सुनील की रैंक है आपके पास 11th, मतलब सुनील की जो रैंक है वो 11th है, इसका मतलब सुनील से ऊपर कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात बताऊँ भाई, 6 बच्चे तो ये रहे, 7वां अनूप रहा और 8वां ये रहा सुनील, तो अनूप और सुनील के बीच में कितने बच्चे बैठेंगे, 3 बच्चे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर 10 बच्चे बैठे, भाई सुनील से ऊपर 10 होना है, तो 3 और 6 9 और एक अनूप, 10 10 हो गए। अब टोटल जो बच्चे दे रखे हैं क्लास में वो दे रखे हैं 31, कितने 31। तो सवाल आपसे बड़ा सिंपल सा पूछा है कि इनकी रैंक नीचे से कितनी होगी, बॉटम से इनकी रैंक कितनी होगी। तो अगर मैं सुनील की रैंक को नीचे से देखता हूँ तो इसके नीचे कितने बच्चे हैं, भाई आप एक बार बताओ, 10 तो ये रहे 11, इसके नीचे 20 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं सुनील के नीचे, 20 बच्चे हैं, राइट। तो जब आप नीचे से स्टार्ट करोगे तो सुनील का नंबर 21 आएगा, क्योंकि 20 तो ऑलरेडी है और ये 21st आएगा। उसके बाद 3 बच्चे और ऊपर है तो 22 23 24, फिर अनूप की रैंक आएगी 25। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, दैट इज अनूप की रैंक 25 और सुनील की 21 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 63, ठीक है। सवाल नंबर 63 बोलता है क्या हमसे कि आपके पास 11 ऑब्जर्वेशन है जिनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया है, अरेंज किया है। मतलब हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 11, A1, A2, A3, A4,
A5, A6, A7, A8, A9, A10 और A11, ठीक है। इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब होता है कि आरोही क्रम, बढ़ता हुआ, ठीक है। तो मतलब A1 छोटा है, उससे बड़ा A2 है, और ऐसे ही करते करते सबसे बड़ा A11 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अर्थमेटिक मीन मतलब जो औसत है उनका, जो इवन प्लेसेस पे है उनसे ऑड प्लेसेस पे, इवन प्लेसेस मतलब जो आपके पास दूसरे नंबर पे आ रही है, चौथे, छठे, आठवें, दसवें, तो 5 ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो कि इवन पे आ रही हैं। तो इनका यदि हमको औसत निकालना है, A2, A4, A6, A8 और A10, इनका यदि एवरेज निकालना है तो कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5, 5 से डिवाइड करेंगे, इनका ऑब्जर्वेशन दे रखा है आपके पास इवन वालों का 10। तो यहाँ से A2, A4, A6, A8 और A10, इनका जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा 50, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली जो ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर पे आ रही है, ऑड पे आ रही है, ठीक है, यदि हम बात कर रहे हैं कि जो ऑब्जर्वेशन ऑड पे आ रही है, ऑड पे मतलब पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पांचवे नंबर पे, पहले पे, तीसरे पे, पांचवे पे, सातवें पे, नौवें पे, ग्यारहवें पे, तो ऐसी 6 ऑब्जर्वेशन है, कितनी, 6 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो यदि हम इनसे जोड़ेंगे A1, A2, A3, सॉरी A1 के बाद A3, फिर A5, A7, A9, A11 है, और इसको 6 से डिवाइड करोगे तो इनका औसत दे रखा आपको 9, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A1, A3, A5, A7, A9 और A11, इनका जो सम आ जाएगा 9×54, 54 आ गया। अब आपको इनका ओवरऑल एवरेज निकालना है, तो यदि आप इनको ओवरऑल एवरेज निकालना चाहते हैं तो आपको सबको जोड़ना पड़ेगा और 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 11 ऑब्जर्वेशन है। तो यदि हम इनको जोड़ना चाहते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ सो दैट जगह मिल पाए मेरे पास लिखने के लिए। अब आपसे ओवरऑल एवरेज पूछा गया है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, बेसिकली A1, A2 और आपको A11 तक जोड़ना है और 11 से भाग लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ दोनों को, भाई यहाँ पे आप देखो A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, A3 भी आ गया, A4 भी आ गया, A5 भी आ गया, A6 भी आ गया, सब तो आ गए यहाँ पर। तो A1 से लेके A11 तक का जो सम होगा 50 और 54 कितना होता है, 104। तो इनका सम 104 है और आप 11 से इसको भाग लगाएंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगा ओवरऑल, तो कितना होगा, 11×99, 5 बचेगा, शून्य लगाएंगे, 11×44, 6 बचेगा, 11×55, तो 9.45 इनका ओवरऑल एवरेज आ जाएगा, मतलब ओवरऑल एवरेज कितना आएगा, 9.45, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, सवाल नंबर 65, ये क्या बोलता है कि जो अनुपात दे रखा है 8:25, 18:73, 22:67 और 15:46, इसमें से आपको ऑड पेयर करना, मतलब कौन सा, 3 एक जैसे हैं, एक पैटर्न जो फॉलो कर रहे हैं, एक अलग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, 8 दिया 24 प्लस 1, 22 दिया 66 प्लस 1, 15 दिया 45 प्लस का 1, बट इसका क्या मतलब है, तो 18 चौका 72 प्लस 1, तो यहाँ पे सारे नंबर 3 गुना हो रहे हैं, लेकिन बीच वाला नंबर जो 18 वाला है वो 4 गुना हो रहा है, इसके हम ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट करेंगे, ठीक है। एक और सवाल दे रखा है, ये भी रीजनिंग का ही है, कि 4 के साथ 17, भाई 4 के साथ 17, तो फिर 7 के साथ क्या आएगा, तो जो रिलेशन 4 का और 17 का है वो 7 के साथ कौन सा रिलेशन है। तो अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ तो 4 का स्क्वायर प्लस का 1 कितना होता है, 17, या फिर दूसरा भी तरीका है कि 4 का चौका 16 प्लस का 1 17। अब आपसे दोनों ऑप्शन यदि आपसे पूछा जाएगा तो मैं अगर देखूंगा तो 7 का स्क्वायर प्लस का 1 कितना होगा, 50, ऑप्शन नंबर ए में मुझको दिख गया। अगर मैं दूसरे वाले तरीके से भी देखता, दैट इज 4 गुना करेंगे, 7 गुना 4 प्लस का 1 29,
तो 29 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम इसी को फॉलो करेंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और कैलेंडर का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर ईयर जो कि 2009 का है। ठीक है, तो 2009 का जो कैलेंडर ईयर है उनमें कौन सा कैलेंडर ईयर बिल्कुल सेम टू सेम या उसकी जीरोक्स कॉपी होगा। ठीक है, मैं आपको बात बता दूं, अगर आपके पास 2008 है, ये एक लीप ईयर है। क्या है ये? लीप ईयर। कैसे पता चलता है कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है? अगर उसके लास्ट के दो डिजिट या लास्ट के दो अंक 4 से डिवाइड हो जाएंगे, इसका मतलब वो जो ईयर बनेगा वो लीप ईयर बनेगा। अगर मैं 2009 को डिवाइड करूंगा 4 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? भाई रिमाइंडर यहाँ पे एक आएगा। कितना आएगा? एक आएगा। तो आपके पास एक टेबल या फिर वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा ईयर किसका आइडेंटिकल ईयर होता है। ठीक है, तो मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपके पास कोई भी ईयर है उसको आपको 4 से भाग लगाना है, तो 4 से भाग लगाने पे आपको रिमाइंडर चूज करना है। तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। यही तरीके हैं भाई, 4 तो रिमाइंडर नहीं आ जाएगा, क्योंकि यदि 4 रिमाइंडर होगा तो 4 एकम 4 दोबारा कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे कुछ जोड़ना है। जोड़ना है बोले तो ऐड। तो यहाँ पे तो आपको जोड़ना है 28 साल। कितना? 28 साल। ठीक है, और यदि रिमाइंडर आता है 1 तो आपको जोड़ना है 6, और यदि रिमाइंडर आता है 2 और 3 तो आपको जोड़ना है 11 11। ये टेबल आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। तो 2009 को डिवाइड करके हमको रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 1 रिमाइंडर के लिए हमको 6 जोड़ेंगे। तो इसमें यदि मैं 6 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 2015, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस, बस आपको ये टेबल जरूर से आपको याद कर लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है, हालांकि आसान है लेकिन फिर भी करा देता हूँ, कि ई को यदि 5 बोलते हैं और अमेंडमेंट का मतलब है 89, तो आपसे सेक्रेटरी का मतलब पूछे। बस देखो, आपको ये तो दिख गया होगा कि ई का मतलब 5 का मतलब क्या है, कि अल्फाबेटिकली ई का जो नंबर आता है वो 5वां ही आता है, मतलब हर नंबर का आपको करेक्ट पोजीशन दे दिया। अगर मैं इनको जोड़ के देखूंगा 89 आ गया, तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे नंबर सिर्फ जोड़ने हैं। तो ए के साथ आता है 1। एम कौन से नंबर पे आता है? एल एम एन। ठीक है, एम आता है 13वें नंबर पे, ई आता है 5वें नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, 4 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, 5 नंबर पे, एन अगेन 14 नंबर पे, और एक नंबर आपको फ्रेज याद रखना, ई जे ओ टी वाई। ये 5, 10, 15, 20, 25, मतलब टी जो है वो 20वें नंबर पे आता है, इसका मतलब टी आ जाएगा 20वें नंबर पे। अब यदि मैं इनको जोड़ता हूँ और मुझे 89 मिल जाएगा, मतलब सारे नंबर मुझे सिर्फ जोड़ने हैं, तो 13 और 1 14, 5 19, 19 14, 33, 33 4 37, 37 13, 50, 5 55, 55 55 और 14, 69 और 20 कितना हो गया? 79। इसका मतलब आपको नंबर ऐड करने हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो एस का कौन सा नंबर है भाई? पी क्यू आर एस टी, एस टी, इसका मतलब एस का नंबर आएगा 19। ये नंबर 5, ये 3, आर एस टी, ये आ जाएगा 18, 5, टी का 20, ए आर का हो गया अगेन 18, और वाई एक्स वाई जेड 25। इनको जोड़ दो, 19, 5, 24, 3, 27, 18, 45, 5, 50, 70, 71, 71, 18, 89 और 25, 89 और 25 हो गया 114। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं, और कौन से क्वेश्चन है? हाँ, ये बोलता है कि अगर हम 30 पेन बेचते हैं एक दुकान वाला, तो उसको फायदा होता है 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर, तो प्रॉफिट कितना परसेंटेज है आपसे पूछ लिया। बड़ा साफ पाला है भाई, आपको बोल रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितना फायदा हो रहा है 10 पेन का जो सेलिंग प्राइस है? आप एक बार बताओ, यदि आपने 30 पेन बेचे या दुकान वाले ने, तो उसने 30 खरीदे भी होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 30 पेन का विक्रय मूल्य माइनस 10 पेन का क्रय मूल्य, सीपी जिसको बोलते हैं। तो अगर हम एक जैसी टर्म को एक तरफ लेके आ जाएंगे, यहाँ पे 30 आएगा, 30, तो 30 सीपी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों
20 एसपी के बराबर, तो सीपी और एसपी का जो अनुपात आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, वो 2/3 आ जाएगा। मतलब आप 2 रुपये की चीज़ ला के 3 पे बेच रहे हो, 2 रुपये की चीज़ ला के 3 पे बेच रहे हो, तो कितना फ़ायदा कर रहे हो आप? 1 यूनिट का फ़ायदा कर रहे हो। कितने पर? खरीद वालों का जो फ़ायदा हमेशा खरीद पर देखते हैं, कितने का आपने उसको परचेज किया, तो 1 का फ़ायदा 2 पर कितना प्रतिशत होता है? 1 का फ़ायदा 2 पर 50% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है, ठीक है। 1 का फ़ायदा 2 पर हो रहा है, इसका मतलब आपको 50% प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक रीजन का सवाल है कि ए और बी भाई है, ए और बी भाई और बहन है। तो बी बहन है, जो महिलाएं हैं उनको मैं सर्कल कर दूंगा, जो पुरुष हैं उनको मैं स्क्वायर या रेक्टेंगल बना दूंगा। ये दोनों आपस में भाई बहन है, ठीक है, मान ली ये सिस्टर है। सी इज द फादर ऑफ ए, भाई सी जो है इनके पिताजी हैं, इनका मतलब कि दोनों के पिताजी हो गए और फादर हैं, तो मैंने बोला इनको स्क्वायर बना देंगे। डी इज द सिस्टर ऑफ सी, डी जो है इनकी सिस्टर है, अगेन तो सिस्टर बोले तो भाई इनकी बुआ जी होगी दोनों की। एंड ई इज द मदर ऑफ डी, ई इज द मदर ऑफ डी, ठीक है, इनकी जो माता जी हैं, भाई इनकी जो माता जी हैं मदर, उनका नाम है ई। डी इज द सिस्टर ऑफ ई, इज द मदर ऑफ। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी जो है ई से कैसे रिलेट करता है? अभी वहां पर बी और ई का आपको रिलेशन देखना है। तो ये जो है ये इनकी लड़की है और ये इनका भाई है, और भाई के जो मतलब अपने, ये इनका बेटा हो गया, सन हो गया, और सन के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? वो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि ये इनका फादर है, भाई इनका फादर है। तो अगर वो लड़की है तो ग्रैंड डॉटर बनेगी, और लड़का है तो ग्रैंड सन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी यहाँ पे अवेलेबल है। उम्मीद करो इतनी बात आपको समझ में आती होगी। एक और सवाल अनुज वाला, अनुज एक व्यक्ति है, देखो जब भी पेपर पे डायरेक्शन बनानी है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यही फॉलो करना है ट्रेंड, इसके अलावा कुछ नहीं बनाना, ठीक है। उल्टा क्या है उसको देखते हैं। अनुज जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस कर रखा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला ये है, ये इसकी तरफ फेस कर रखा है उसने, अनुज ने। फिर वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता, बोले तो घड़ी से उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा घड़ी से उल्टा, तो अनुज भाई साहब इधर आ जाएंगे। नहीं, ही टर्न पहले 90 डिग्री है, ही टर्न फेस 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। तो यहाँ से जब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपके पास ये इधर आ जाएगा ये। उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अब को उल्टा घूमना है ऐसे, तो आप फिर से इधर चले जाओगे, ठीक है, 180 डिग्री घूम गए एंटी क्लॉकवाइज, तो फेस अभी भी इधर है। एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर के बाद उसके बाद फिर भी आपको 90 डिग्री घूमना है, तो अगेन आपके पास फेस इसका इधर हो गया। तो आपसे बोलता है कि अब उसका जो चेहरा है वो किस तरफ है, तो किस तरफ है? साउथ वेस्ट। तो उसका जो फेस है वो साउथ वेस्ट की तरफ है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बड़ा आसान है यार, मुश्किल तो नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट 2, 3, 4, 6, 6 ये सीरीज आप कर लेना, आई थिंक उसमें मुश्किल नहीं है। एक और मैथ का सवाल है, ये बोलता है ए प्लस बी बराबर ए बटे बी प्लस बी बटे ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपसे मान पूछ लिया। तो यदि ए प्लस बी और a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए ये इक्वल है, तो ये तभी के तभी इक्वल हो सकते हैं। यदि आपको भी ये बात पता होती तो ऐसे चुटकी बजा के सवाल हो जाता, यदि a और b का मान बराबर हो जाए और दोनों का मान सेम हो जाए, ठीक है, a और b का मान सेम करना है 1 के बराबर, क्योंकि 1 के अलावा कुछ भी वैल्यू रखेंगे सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1 प्लस 1 हो गया 2, और ये हो जाएगा 1/1 + 1/1, तो 2 = 2, यही आपसे पूछा गया था। अब आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर, और ये भी कितना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। आप इसको मैथ्स लगाते रहिए ज़्यादा, मेरे हिसाब से उतना ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, 82 नंबर बोलता है इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, कोन का मतलब जैसे एक शंकु होता है, इसका जो बेस एरिया होता है होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर।
इसका हमने इंक्रीज कर, और यदि हम इसके वॉल्यूम की बात करें, इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच, अगर ये हाइट इसकी एच है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू एरिया इंटू बेस, सॉरी एरिया इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्या है इसका? बेस एरिया। क्या है इसका? बेस एरिया। तो बेस एरिया 100% बढ़ा दिया तो फिर वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? ठीक है, तो अगर मुझे देखना है पहले वॉल्यूम अपॉन दूसरे वॉल्यूम, तो पहले वॉल्यूम 1/3 बेस एरिया A1 और हाइट हो गई इसकी H1, 1/3 बेस एरिया आपने A2 कर दिया क्योंकि आपने एरिया चेंज किया है, हाइट के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रखा, तो हम हाइट सेम मान लेते दोनों तरफ, 1/3 ने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, तो V1 और V2 का जो अनुपात होगा वो A1 और A2 होगा। तो अगर पहले एरिया मान लेते हैं 100 या कुछ भी मान लो आपका, अगर पहले एरिया 1 था तो अब एरिया 2 हो गया। क्यों 2 क्यों हो गया? 100% इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि पहले आप 100 रुपये कमा रहे थे तो अब 200 कमाएंगे, पहले 200 कमा रहे थे तो अब 400 कमाएंगे, पहले यदि 500 कमा रहे थे तो 1000 कमाएंगे, डबल करना होता है। 100% इंक्रीज का मतलब डबल करना है। तो आपने वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा? वॉल्यूम पहले 1 था अब 2 हो गया क्योंकि अनुपात 1:2 का आ गया, तो वॉल्यूम भी कितना बढ़ जाएगा भाई? पहले 1 था 2 हो गया, अब 1 का चेंज आ गया, प्लस हो गया 1। 1 का चेंज किस पर? चेंज हमेशा ओरिजिनल पर, पहले कितना था। तो 1/1 × 100, तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा इसमें? 100% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इनमें आप ऑड पेयर कर लेते, 89 क्वेश्चन में करा देता हूँ, ये भी मैथ से रिलेटेड है। HCF of 2 number is 25, दो नंबर का HCF 25 है। देखो HCF दे रखा है दो नंबर का 25, तो HCF का मतलब होता है कि सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू कॉमन है वो मैंने अलग निकाल के रख दी, तो अब जो नंबर बचेगा उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे 5 और 10, इनका HCF कितना है? आप इसको लिखोगे 5 × 3 = 15 और यहाँ लिखोगे 5 × 2, तो इनका HCF है 5। अब जो नंबर बचेगा 2 और 3, उनका HCF 1 होगा क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, सारा कॉमन तो आपने बाहर निकाल लिया, तो इसका मतलब इनका HCF कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। जो बचे हुए नंबर हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता यदि आपने HCF बाहर निकाल लिया, ठीक। एंड देयर LCM आर 14 और 15, एंड अदर फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 14 और 15, तो उनका सम पूछा है, ठीक है। तो आपके पास जो नंबर होंगे भाई, जो नंबर होंगे वो 25A, 25B के होंगे, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि नंबर 25 होगा, लेकिन 25 का मल्टीपल जरूर होगा, वही उसका HCF बोल रखा है। तो मान लेते हैं ये जो नंबर है आपके 25A और 25B है। अब इनमें बोलता है देयर LCM, हाँ क्या बोलता है? अदर फैक्टर्स ऑफ देयर LCM, अदर फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 14 और 15। तो आपसे दोनों नंबर का सम पूछा है, आपसे क्या पूछा? दोनों नंबर का सम पूछा है, ठीक है। तो अदर फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 14 और 15, इसका मतलब बाकी जो नंबर बच गए वो बच गए 14 और 15। तो पहला नंबर कितना होगा? 25 × 14, और दूसरा नंबर कितना होगा? 25 × 15। तो 25 × 14 हो जाएगा भाई, 25 × 25 = 250, 25 × 100, तो ये नंबर तो 350 हो गया, और 25 × 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 375। कितना हो जाएगा? 375। अब जो बचेगा कितना बचेगा? 5 और 37 कितना हो गया? 72। कितना हो गया? 72। तो ये जो नंबर है, जो इनका योग है, वो 725 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा है। उम्मीद करो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो एक ये कैट वाला क्वेश्चन है, ट्रेन वाला। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 140 मीटर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मान लेते ट्रेन है, इसकी लंबाई दे रखा है 140 मीटर, रफ्तार दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भाग रही है, एंड द कैट इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, और एक बिल्ली है, हाँ एक बिल्ली भाग रही है, वो इसकी रफ्तार है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो ट्रेन कैट को कितनी देर में क्रॉस कर लेगी या ओवरटेक कर लेगी, ठीक है। तो जब भी आपको ये सवाल पूछा जाएगा तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल आपको चाहिए। अब डिस्टेंस कितना कवर करना है यदि हम बात करते हैं, तो ट्रेन को अपनी लंबाई जरूर कवर करनी है जो कि 140 है,
पर इनकी सापेक्ष चाल क्या है? यदि दो वस्तु एक ही डायरेक्शन में जाती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? माइनस करेंगे बड़े में से छोटे को, तो हो जाएगा दैट इज 60 माइनस 80, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करेंगे। अब ध्यान रखिए, यदि आपके पास किलोमीटर प्रति घंटा का कोई चाल दे रखी है तो आप इसमें यदि मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, तो फिर जो यूनिट हो जाएगी वो मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो 5/18 मतलब 5 और 18 ऊपर चला जाएगा, तो 140/2 ये हो जाएगा 42 गुना 18 और 5, तो 6/7 42, 6/3 18 और 5 से हो गया ये कितना 28 और 7/4 28 और 4/3 12, तो 12 सेकंड में जो ट्रेन है वो इसको क्रॉस कर देगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैथ का एक और सब क्वेश्चन है कि आपके पास एक सिलेंडर है, रेडियस बढ़ा दिया 25%, मतलब इसका रेडियस है उसमें आपने 25% की वृद्धि कर दी, 25% इंक्रीज, तो वॉल्यूम यदि हमको सेम रखना है तो हाइट में कितनी कमी करनी पड़ेगी? भाई 25% बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है? इसका फ्रैक्शन है 1/4, मतलब कोई भी चीज़ जो पहले 4 थी, ऊपर लिखा है 1, पहले तो नीचे 4, नीचे वाला नंबर होता है जो ओरिजिनल है, नीचे वाला नंबर होता है जो ओरिजिनल है, और ऊपर वाला नंबर वो होता है जो आपको प्लस माइनस करना, बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस, तो ये हो गया 4 से 5, कितना हो गया 4 से 5। तो वॉल्यूम V1/V2, तो वॉल्यूम होता है इसका πr²h, पहले रेडियस कितना था 4 का स्क्वायर और हाइट कितनी थी नहीं पता, दूसरी बार रेडियस इसका हो गया 5 का स्क्वायर और हाइट कितनी है नहीं पता, लेकिन ये बात दे रखी है आपको कि वॉल्यूम सेम करना है। क्या करना? वॉल्यूम सेम, तो वॉल्यूम सेम करने का मतलब है V1/V2 का जो अनुपात है वो 1 और 1 हो जाएगा, और पाई ने पाई को मार दिए, ये हो जाएगा 16/25 गुणा H1H2। तो यहाँ से H1H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? भाई अगर आप एक बार बताऊँ, मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, H1/H2 गुणा 16/25, ये 1:1 है, तो यहाँ से H1H2 का जो रेशो आ जाएगा 25/16 का आ जाएगा। तो जो चीज़ पहले 25 थी अब 16 हो गई, तो कितना डिक्रीज करा? -9। कितने पर? चेंज हमेशा ओरिजिनल पर 25, क्योंकि H1 आपका ओरिजिनल है, 9/25 × 100, तो 36% जो है आपको हाइट में रिडक्शन करना पड़ेगा जब जाके वॉल्यूम पहले जितना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, एलसीएम एंड एससीएफ 2 पॉलीनोमियल। एलसीएम दे रखा आपको x² + 6x + 8, यदि आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा x+4 और x+2, ये फैक्टराइज कर दिया। इनका एससीएफ दे रखा है x+1 एंड वन ऑफ द पॉलीनोमियल, एक पॉलीनोमियल मान लेते हैं px, ये दे रखा है x² + 5x + 4, तो आपसे दूसरा पॉलीनोमियल पूछा है, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि दो नंबर हैं यदि ए बी, उनका जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल होता है उनके एलसीएम और उनके एससीएफ के बराबर। सुपर इम्पॉर्टेंट बात है ये कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उनके एलसीएम उनके एससीएफ के बराबर होता है। ठीक है, चलिए शुरू कर, तो पहला नंबर आपको दे दिया ये x² + 5x + 4, दूसरा नंबर क्या है नहीं पता, मान लेते उसको k मान लेते हैं, इनका एलसीएम दे रखा है x+4 x+2 और एससीएफ है x+1, इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो x+1 आ जाएगा और x+4 आ जाएगा इंटू के बराबर x+4 x+2 और x+1, तो x+1 और x+4 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी x+2। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसी है समथिंग इज रॉन्ग एक्चुअली, आपसे पूछा क्या है एंड वन ऑफ द पॉलीनोमियल इज इतना, तो दूसरा पॉलीनोमियल पूछा है यार, कुछ तो आई थिंक एक बार और करते हैं क्या इसको, एक बार और करते हैं, चलो कुछ तो गड़बड़ है। एलसीएम दे रखा आपको x² + 6x + 8 जो कि फैक्टराइज हो जाएगा x+4 और x+2 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एससीएफ दे रखा आपको x+1, तो
मैंने आपको बताया HCF इंटू LCM दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं पहला नंबर A दे रखा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 1 और x प्लस 4, ये फैक्टराइजेशन। तो अगर हम इनको देखते हैं दोनों का प्रोडक्ट x प्लस 1 इंटू x प्लस 4 इक्वल्स टू दूसरा फंक्शन b है हमारे पास, भाई कोई भी नंबर है b बचा, b इंटू b, पहला एलसीएम आपको दे रखा है x इज x प्लस 4 और x प्लस 2, और इनका एचसीएफ दे रखा है x प्लस 1। एक मिनट, वही कहाँ चला गया, हाँ इनका एचसीएफ दे रखा है ये, तो आपसे कुछ तो गड़बड़ है दया। Something is wrong actually. ओहो, यहाँ पे x प्लस 1 भी छुपा हुआ है, देख रहे हो, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देखो यहाँ पे x प्लस 1, हिंदी में देख लेते हैं ना, ये देखो इसमें x प्लस 1 भी है, x प्लस 1 इसमें हिंदी में अगर हमने देखा तो यहाँ पे x प्लस 1 है जो हम मिस कर रहे थे, अब हम इसको सही करेंगे, ठीक है, बड़ा दिमाग खराब करता है, राइट। चलो हिंदी वाले में तो फिर से करते हैं, एलसीएम दे रखा है आपको x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8, तो इसके फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 x प्लस 2, ये इनका एलसीएम, और इनका एचसीएफ दे रखा है x प्लस 1, तो और एक नंबर दे रखा है पॉलिनोमियल पी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4 जो कि हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 4, तो वही फॉर्मूला लगाइए, दो नंबर का एलसीएम और उनका जो प्रोडक्ट है एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मतलब l इंटू एच बराबर a इंटू बी, तो l दे रखा आपको x प्लस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 2 और उनका एचसीएफ है x प्लस 1 बराबर, किसके बराबर होगा ये, ए नंबर दे रखा है x प्लस 1 और x प्लस 4, दूसरा नंबर b मान लेते हैं, तो इससे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये बचेगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, बहुत देर से इंतज़ार था ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है, सो दैट्स ऑल। अच्छा ये कैलेंडर का और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 31 मार्च 2008 को बोलता है मंडे, तो आपसे बोलता है 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा, तो कैलेंडर के बारे में एक बात आपको पता होना चाहिए कि यदि हम एक पर्टिकुलर डेट पे एक साल आगे चलते हैं तो दिन जो है वो एक से बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 2008 एक लीप ईयर है, 2008 क्या है, एक लीप ईयर है, कैसे पता चलता है, लास्ट के दो अंकों को 0 और 8 को यदि हम डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन जो डेट दे रखी है वो 29 फरवरी या फिर 28 फरवरी के बाद की है ऑलरेडी, तो उस पर लीप ईयर का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। इसका मतलब 31 मार्च से 31 मार्च हमको जाना है, 3 साल का गैप है, तो हम प्लस के 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे, तो मंडे के बाद प्लस का 3, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, भाई प्लस का 3 करना है, आज मान लो मंडे है, फिर ट्यूसडे होगा, फिर वेंसडे होगा, फिर थर्सडे होगा, 3 साल हम लोग आगे चले गए, तो हम लोग थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और ये जो 2023 का UPSC का पेपर था हमने पूरा सॉल्व किया दो पार्ट में, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिए, और 2022 का मैं पेपर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके लिए लाइव जो है शुरू हो रहा है, तो प्लीज़ आप उस लाइव को जरूर देखिए, आपको बहुत काम आएगा, 15 दिन में बैक टू बैक करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स उसको समझिए,
तो जो रवीना मैम है वो उसको लेंगी 9:30 बजे रात को डेली। मतलब आपको यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना है और उसकी PDF वगैरह या PPT चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन क्लासेस को जरूर फॉलो करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।